नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि साल 2019 ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी सुस्त और गिरावट भरा रहा है। लगभग हर एक कार कंपनी की बिक्री में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी गई है, जिसके चलते मारुति सहित कई सारी दिग्गज कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ा है। बावजूद इस मंदी के कई सारी ऐसी गाड़ियां रही हैं 2019 में जिनकी जमकर बिक्री हुई, जिन्होंने इस साल में धूम मचाई है। साल के आखिर 2019 में भी इनका प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है। हालांकि वो सेल्स फिगर्स फिर भी पिछले साल के मुकाबले कम ही रहे हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टॉप 12 बेस्ट एंड हाइएस्ट सेलिंग कार के इस लिस्ट में 8 गाड़ियां इकलौती मारुति की तरफ से हैं, जबकि कई महीनों से लगातार उनकी सेल्स में गिरावट देखी गई है और प्रोडक्शन में भी गिरावट देखी गई है। उसके बावजूद भी 8 गाड़ियों ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए रखी है। वहीं पर बाकी की 4 गाड़ियां इस लिस्ट में ह्यूंडई की तरफ से आती हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों दिसंबर 2019 की टॉप 12 बेस्ट एंड हाइएस्ट सेलिंग कार्स के बारे में आज की इस वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 12वें नंबर पर आती है ह्यूंडई की क्रेटा। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 6713 यानी कि 6713 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर 2019 में 6684 यानी कि 6684, वहीं पर दिसंबर 2018 में इसकी 7631 यानी कि 7631 यूनिट्स बिकी थी। यानी कि दिसंबर 2019 में इसकी नवंबर के मुकाबले 29 यूनिट्स ज़्यादा बिकी हैं, लेकिन वहीं पर दिसंबर 2018 से अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसकी सिर्फ 918 यूनिट्स कम बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए से शुरू होकर 1,571,000 रुपये तक की मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिल जाते हैं और दोनों में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है। पेट्रोल में आपको मिलता है 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 121 bhp की पावर जनरेट करता है और 151 nm का टॉर्क जनरेट करता है। डीजल में इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 1.4 लीटर डीजल इंजन जो कि 89 bhp की पावर जनरेट करता है और 219 nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं 1.6 लीटर डीजल इंजन में 126 bhp की पावर जनरेट होती है और 260 nm का टॉर्क जनरेट होता है। ह्यूंडई इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन में 15.29 kmpl का माइलेज और डीजल में 21.38 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। पूरे भारत में इस लिस्ट में 11वें नंबर पर आती है ह्यूंडई की ग्रैंड i10 नियोस। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 7598 यानी कि 7598 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम मुंबई के अकॉर्डिंग ये गाड़ी 5,05,000 रुपये से शुरू होकर 8,04,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिल जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आपको सिर्फ पेट्रोल में ही मिलता है। दोनों ही 1.2 लीटर के इंजन आते हैं। पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर का इंजन 83 PS की पावर जनरेट करता है और 114 nm का टॉर्क जनरेट करता है जो कि BS6 रेडी इंजन है। और वहीं डीजल में आपको 75 PS की पावर मिलती है विथ 190 nm का टॉर्क। ह्यूंडई इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन से 20.05 kmpl का और डीजल में 26.2 kmpl का एवरेज क्लेम करती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें नंबर पर आती है मारुति की इको। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 7634 यानी कि 7634 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर 2019 में 10162 यूनिट्स बिकी थी, वहीं पर दिसंबर 2018 में 8532 यूनिट्स बिकी थी। यानी कि दिसंबर 2019 में नवंबर 2019 के मुकाबले 2528 यूनिट कम बिकी हैं, वहीं दिसंबर 2018 के मुकाबले 898 यूनिट्स कम बिकी है। एक शोरूम मुंबई के अकॉर्डिंग ये गाड़ी आपको 3,78,000 यानी कि 3,78,000 रुपीज़ से शुरू होकर 6,76,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको केवल 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन ही मिलता है
जिसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 73 BHP की पावर जनरेट करता है और 101 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मारुति पेट्रोल में इस गाड़ी से 15.37 KMPL का माइलेज और CNG में 21.94 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम करती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9th हाईएस्ट सेलिंग कार है Hyundai की Elite i20। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 7720 यानी कि 7720 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर 2019 में 10146 यानी कि 10146 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं पर पिछले साल दिसंबर 2018 में इस गाड़ी की 11940 यूनिट्स बिकी थी, यानी कि दिसंबर 2019 में नवंबर 2019 के मुकाबले 2426 यूनिट्स कम बिकी हैं। वहीं दिसंबर 2018 के मुकाबले 4220 यूनिट्स कम बिकी हैं। एक शोरूम मुंबई के अकॉर्डिंग ये गाड़ी आपको 560,000 यानी कि 560,000 से शुरू होकर 941,000 तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको सिर्फ पेट्रोल में ही मिलता है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि आपको 83 PS की पावर जनरेट करता है और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इस गाड़ी का 1.4 लीटर डीजल इंजन जो कि 90 PS की पावर जनरेट करता है और 220 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Hyundai इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन में 18 KMPL का और डीजल में 22 KMPL का माइलेज क्लेम करती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति की एस्प्रेसो। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 8349 यानी कि 8349 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं नवंबर 2019 में 11220 यानी कि 11220 यूनिट्स बिकी थी, यानी कि दिसंबर 2019 में नवंबर 2019 के मुकाबले 2871 यूनिट्स कम बिकी हैं। एक शोरूम मुंबई के अकॉर्डिंग ये गाड़ी 369,000 से शुरू होकर 491,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको केवल नेचुरली एस्पिरेटेड ट्राइड एंड टेस्टेड पेट्रोल इंजन मिलता है K10 सीरीज़ का, जिसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है। 1 लीटर पेट्रोल इंजन आता है जो कि आपको 67 BHP की पावर जनरेट करता है और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मारुति इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन से 21.4 KMPL का लेकर 21.7 KMPL का माइलेज क्लेम करती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें नंबर पर आती है Hyundai की वेन्यू। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 9521 यानी कि 9521 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर 2019 में 9665 यूनिट्स बिकी थी, यानी कि दिसंबर 2019 में नवंबर 2019 के मुकाबले 144 यूनिट्स कम बिकी हैं। एक शोर मुंबई के अकॉर्डिंग ये गाड़ी 655,000 से शुरू होकर 1089,000 रुपीस तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन मिलते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको केवल पेट्रोल में मिलता है। इसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 83 PS की पावर जनरेट करता है विथ 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में आपको 120 PS की पावर मिलेगी और 171 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं 1.4 लीटर डीजल इंजन 90 PS की पावर जनरेट करता है और 224 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Hyundai पेट्रोल में इस गाड़ी से 17 KMPL से लेकर 18.27 KMPL का और डीजल में 23 KMPL का माइलेज क्लेम करती है। 6वें पायदान पर इस लिस्ट में पूरे भारत में जो कार आती है वो है मारुति की वैगन आर। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 10,871 यानी कि 10,871 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर 2019 में 14,650 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं पर दिसंबर 2018 में केवल 2,540 यूनिट्स ही बिकी थी, यानी कि दिसंबर 2019 में नवंबर 2019 के मुकाबले
3,779 यूनिट्स कम बिकी हैं, वही दिसंबर 2018 के मुकाबले 8,331 यूनिट्स ज़्यादा बिकी है। एक शोरूम मुंबई की अकॉर्डिंग ये गाड़ी आपको 4,47,000 रुपीज़ से शुरू होकर 5,96,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है जिसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है। 1 लीटर पेट्रोल इंजन में जो कि आपको 67 BHP की पावर जनरेट करता है और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है जो कि BS6 रेडी इंजन है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 82 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मारुति इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन से 20.52 KMPL से लेकर 22 KMPL का माइलेज और CNG में 33.54 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम करता है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है मारुति की विटारा ब्रेजा। दिसंबर 2019 में इस गाड़ी की 13,658 यानी कि 13,658 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर 2019 में इसकी 12,133 यूनिट्स बिकी थी और पिछले साल दिसंबर 2018 में 9,667 यूनिट्स ही बिकी थी। यानी कि दिसंबर 2019 में नवंबर 2019 के मुकाबले 1,525 यूनिट्स ज़्यादा बिकी हैं, वहीं पिछले साल दिसंबर 2018 के मुकाबले में 3,991 यूनिट्स ज़्यादा बिकी हैं। एक शोरूम मुंबई के अकॉर्डिंग ये गाड़ी आपको 7,73,000 रुपीज़ से शुरू होकर 10,45,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। फिलहाल इस गाड़ी में केवल डीजल इंजन मिलता है जिसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है। जल्द ही इस गाड़ी में आपको केवल पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 2020 से मारुति अपने सारे डीजल इंजन डिसकंटिन्यू करने वाला है। फिलहाल इसमें 1.3 लीटर डीजल इंजन आता है जो कि 88 BHP की पावर जनरेट करता है और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मारुति इस गाड़ी के इंजन से 24.3 KMPL का माइलेज क्लेम करती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 4th नंबर पर आती है मारुति की स्विफ्ट, जो कि मारुति का एक हॉट सेलिंग केक है। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 14,749 यानी कि 14,749 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 19,314 यूनिट्स बिकी थी, वहीं पर पिछले साल दिसंबर 2018 के महीने में 11,970 यानी कि 11,970 यूनिट्स ही बिकी थी। यानी कि दिसंबर 2019 में नवंबर 2019 के मुकाबले 4,565 यूनिट्स कम बिकी है, वहीं दिसंबर 2018 के मुकाबले में 2,779 यूनिट्स ज़्यादा बिकी है। एक शोरूम मुंबई के अकॉर्डिंग ये गाड़ी 5,14,000 रुपीज़ से शुरू होकर 8,84,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इसी गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन मिल जाते हैं और दोनों में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 82 BHP की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं पर 1.3 लीटर डीजल इंजन जो कि 74 BHP की पावर जनरेट करता है और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मारुति पेट्रोल में इस गाड़ी से 21.21 KMPL का और डीजल में 28.40 KMPL का माइलेज क्लेम करती है। तीसरे पायदान पर इस लिस्ट में पूरे भारत में जो गाड़ी आती है वो मारुति की, अगेन वन मोर हॉट सेलिंग की, इस मारुति सुजुकी डिज़ायर। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 15,282 यानी कि 15,282 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर 2019 के महीने में 17,659 यूनिट्स बिकी थी, वहीं पिछले साल दिसंबर 2018 में 16,797 यूनिट्स ही बिके थे। यानी कि दिसंबर 2019 में नवंबर 2019 के मुकाबले 2,377 यूनिट्स कम बिकी है, वहीं पिछले साल दिसंबर 2018 के मुकाबले 1,115 यूनिट्स कम बिके हैं। एक शोरूम मुंबई के अकॉर्डिंग ये गाड़ी आपको 5,82,000 रुपीज़ से शुरू होकर 9,52,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलते हैं और दोनों में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है।
1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको 82 bhp की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 1.3 लीटर डीजल इंजन 74 bhp की पावर जनरेट करता है और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मारुति इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन में 21.21 kmpl का और डीजल में 28.40 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। पूरे भारत में दूसरे नंबर पर हाईएस्ट बेस्ट सेलिंग कार है मारुति की ऑल्टो, जो कि पिछले साल तक नंबर वन के पायदान पर रही थी। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 15,489 यूनिट्स बिकी हैं। नवंबर 2019 में 15,086 यानी कि 15,086 यूनिट्स बिकी थी। वही पिछले साल दिसंबर 2018 में 25,121 यूनिट यानी कि 25,121 यूनिट्स बिके थे। यानी कि दिसंबर 2019 में नवंबर 2019 के मुकाबले 403 यूनिट्स ज़्यादा बिकी हैं। वहीं पिछले साल दिसंबर 2018 के मुकाबले में 9,632 यूनिट्स कम बिकी है। एक शोरूम मुंबई के अकॉर्डिंग ये गाड़ी आपको 2,98,000 रुपीज़ से शुरू होकर 4,19,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको केवल 800 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है। इस गाड़ी में आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। 800 cc का पेट्रोल इंजन जो कि 47 bhp की पावर जनरेट करता है और 69 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मारुति इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन में 22.05 kmpl का और CNG में 32.99 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम करती है। अब आखिर में बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में सबको पीछे छोड़कर नंबर वन के पायदान पर जो गाड़ी आई है, जिसने सबको पीछे छोड़ा है। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी पिछले साल तक दिसंबर के महीने में छठे पायदान पर यानी कि 6th नंबर पर रही थी। इस लिस्ट में मारुति की 8 कारों में से बलेनो, डिज़ायर, स्विफ्ट और विटारा ब्रेज़ा अभी भी डीजल इंजन के साथ में अवेलेबल हो रही हैं, लेकिन इनके डीजल वेरिएंट BS6 रेडी नहीं है, ना ही उन्हें BS6 में पेश किया जाएगा, क्योंकि मारुति 1 अप्रैल 2020 से डीजल इंजन के वेरिएंट्स डिसकंटिन्यू करने वाला है। दिसंबर 2019 के महीने में इस गाड़ी की 18,465 यूनिट्स बिकी थी। नवंबर 2019 में 18,047 यानी कि 18,047 यूनिट्स बिकी थी। वहीं पिछले साल दिसंबर 2018 में 11,135 यूनिट्स ही बिकी थी। यानी कि दिसंबर 2019 में नवंबर 2019 के मुकाबले 418 यूनिट्स ज़्यादा बिकी है। वहीं पिछले साल दिसंबर 2018 के मुकाबले 7,330 यानी कि 7,330 यूनिट्स ज़्यादा बिकी हैं। एक शोरूम मुंबई के अकॉर्डिंग ये गाड़ी 5,58,000 से शुरू होकर 8,90,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन्स मिल जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आपको केवल पेट्रोल में ही मिलता है। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 82 bhp की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं पर 1.3 लीटर डीजल इंजन जो कि 74 bhp की पावर जनरेट करता है और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मारुति पेट्रोल में इस गाड़ी से 19.56 kmpl से लेकर 23.87 kmpl तक और डीजल में 27.39 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है। इन टॉप 12 कारों की बिक्री को मिलाकर और बाकी गाड़ियों को मिलाकर दिसंबर 2019 में 121,716 यूनिट्स की बिक्री हुई है। यानी कि टोटल कारों की सेल्स में इन 12 गाड़ियों का हिस्सा तकरीबन 52% यानी कि 52% का है। इनमें चौथे नंबर पर रही स्विफ्ट लगातार दूसरे साल से चौथे नंबर पर बनी रही है, लेकिन इस दौरान उसकी सेल में 25% की इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी दिखी गई है। न्यू वैगनर, वेन्यू और मारुति सुजुकी एस्प्रेसो इस लिस्ट में न्यू एंट्री है, क्योंकि ये तीनों गाड़ियों के मॉडल्स 2019 में लॉन्च किए गए थे। लास्ट ईयर ऑल्टो K10 सबसे अधिक बिकने वाली गाड़ी थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।